है कि वो जो माहौल गुजरात में है उसकी सरासर जिम्मेदारी वहां की सरकार जो बीजेपी की उन पर आयद होती है। उनका काम ये था कि वो उत्तर भारतीय लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाते, वहां पर कोई जाकर उनसे बातचीत करते, उनको रुकाते, उनके सिक्योरिटी का इंतजाम करवाते। मगर इससे साफ जाहिर हो रहा है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नाकाम साबित हो रही है और आप देख रहे हैं कि एक एक्सोडस हो रहा है पूरा वहां से। तो उत्तर भारतीय जो है लोग जो है अपनी जान और माल की डर में, खौफ में सब चीज छोड़ के भाग रहे हैं। तो यकीनन ये बीजेपी की नाकामी है, इनकी गवर्नेंस की नाकामी है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को जो सिर्फ मासूम लोगों के एनकाउंटर में लगे हैं वो क्यों नहीं जाते गुजरात को? गुजरात जाना चाहिए, उन्हीं की सरकार है। बिहार के चीफ मिनिस्टर वो जा सकते हैं गुजरात को, वो भी एनडीए में है, वो क्यों नहीं जाते? इतने हजारों हजारों लोग जब निकल रहे हैं, दोनों को एक दो घंटे लगेंगे मगर इनको फुर्सत ही नहीं है, सिर्फ एक जबानी अल्फाज, झूठे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और कोई हमदर्दी नहीं है उन लोगों को देखा जाए तो। ये दोनों चीफ मिनिस्टर गुजरात के हैं, बीजेपी के हैं। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर और नीतीश कुमार खुद एनडीए की सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद जाएं गुजरात, जाएं जाकर बात करें और एतमाद दिलाएं और फिर लोगों को भिजाएं वहां से ट्रेन में, उनको टिकट बुक कराकर। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये जबानी बोल रहे हैं मगर जिम्मेदारी पूरी बीजेपी पे आयद होती है और एनडीए के ऊपर आयद होती है।